नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी नंबर सिस्टम मैथ की, जिसमें हमने चार वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसा कि हमने उन वीडियो में इकाई का अंक निकालना, भाजक भागफल वाले सवाल, दो पैर वाले, चार पैर वाले, ऐसे सवालों पर चर्चा की थी। उन वीडियो को आप पहले देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आज का हमारा टॉपिक है योगफल और गुणनफल वाले सवालों पर चर्चा करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम चंद लाइनों से स्टार्ट करेंगे कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आइए आज का हमारा टॉपिक जो है हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पहला सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने 3 गुने से 7 कम हो जाती है। तो संख्या क्या है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या खुद के 3 गुने से 7 कम हो जाती है। तो माना संख्या x है, और क्या कह रहा है, किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने 3 गुने से 7 कम हो जाती है। तो मान लिया हमने संख्या x है, x में हम कितना जोड़ेंगे, 21 जोड़ने पर, यानी कि x में 21, यानी कि संख्या में 21 जोड़ने पर यह संख्या अपनी के 3 गुने के, यानी कि अपने 3 गुने के, तो संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, उससे सात कम हो जाती है। माना संख्या हमने मान ली x है, x में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी उस x के 3 गुने से 7 कम हो जाती है। तो बताएं संख्या क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को उधर पक्षांतर कर देंगे और x को उधर पक्षांतर करेंगे, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे। यदि कोई भी संख्या बराबर के उस तरफ जाती है, जैसे मान के चलो माइनस वाली संख्या बराबर की उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाती है, किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। प्लस वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है। गुणा वाली संख्या कोई होती है बराबर की उस तरफ जाती है तो भाग की हो जाती है, और कोई संख्या भाग वाली होती है बराबर के उस तरफ जाती है तो आपकी मल्टीप्लाई यानी कि गुणांक हो जाती है। तो ये आपको सिंबल पहले याद होने चाहिए कि माइनस वाली संख्या उधर जाके प्लस की होती है, प्लस वाली संख्या उधर जाके बराबर के उस तरफ जाके माइनस की होती है, और गुणा वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाके भाग की होती है, और भाग वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाने पर गुणा में पहुंच जाती है, सॉरी यानी कि प्लस की एक्स उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और माइनस के साथ इधर आएंगे तो किसकी हो जाएंगे, प्लस के। तो एक्स को हम एक्स के पास पहुंचेंगे और जो नंबर है वो नंबर के पास ले आएंगे। तो हमारा जो 21 है उसके पास इधर ये 7 आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 3x, तो हमारा है ये x अगर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ देंगे हम, 21 में 7 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा बराबर 3x में से अगर 1x जाएगा तो आपका 2x बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2x बराबर 28 बराबर में किधर भी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि इधर लिख सकते हैं या इधर बराबर में लिखिए, बराबर है। अब हमें मान चाहिए एक्स का, तो एक्स बराबर जो गुणा वाली संख्या मैंने आपको बताया तो भाग में पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, भाग में, तो 28 के 2 कहाँ पहुंच जाएंगे, भाग में पहुंच जाएंगे, और 2 से 28 को काटोगे तो आप 2 चौके 8, तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा 14, तो आंसर हमारा 14।
जैसा कि आपका ऑप्शन फर्स्ट। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना कोई संख्या यानी कि किसी संख्या कोई संख्या x ली गई है जिसमें अगर हम 21 जोड़ दें तो संख्या अपने 3 × 7 कम हो जाती है। तो संख्या अपने 3 × 7 कम हो जाती है। तो यदि x में हमने 21 जोड़ दिया, x में 21 जोड़ेंगे बराबर, ये संख्या अपने 3 × 7 कितनी कम हो रही है, 7 कम हो रही है। 3 × 7 कितनी कम हो जाती है, 21 जोड़ने पर 7 कम हो जाती है। तो संख्या में 21 जोड़ने पर 21 को हम इधर यानी कि -7 को हम इधर ले आएंगे और x को उधर पहुंचा देंगे। तो माइनस का 7 बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का x बराबर के उस तरफ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो 21 और 7 आपके 28 हो गए, और 3x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, जिसको हम 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x का मान चाहिए, तो 2 जो गुणा में है वो कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। 2 से जब हम 28 को बांटेंगे तो 14 बार कटेगा, तो आंसर इस प्रकार हमारा कितना हो गया, 14। आइए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 3 × 7 हम 7 घटा दें तो परिणाम 14 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 3 × 7 हम 7 घटा दें तो परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो बताइए संख्या क्या है। तो वही प्रोसेस है हमारा, माना हम संख्या क्या मान लेंगे, माना संख्या x है, माना संख्या बराबर क्या है, x है, माना संख्या x है, इसके 3 × 7 हमें क्या करना है, 7 घटाना है, यानी संख्या के 3 × यानी कि 3x में से कितना माइनस करना है, 7 घटाना है। संख्या के 3 × में से 7 घटाने पर परिणाम हमें कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए क्या है। तो 7 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो मैंने अभी बताया आपको माइनस वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो 3x बराबर 14 प्लस के 7, 3x बराबर आपका 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 21 बट्टे गुणा वाली संख्या किसमें पहुंचती है, बराबर के उस तरफ, भाग में। 3 से जब 21 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा भाग हमारा, 7 बार जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। हमारी संख्या कितनी है, 7। आंसर हमारा क्या हो गया, 7। यानी कि 7 या 21, 21 में 7 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो कोई संख्या मान ली हमने x है, x के 3 × में से 7 घटाने पर परिणाम हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 14 प्राप्त हो रहा है। तो 3x बराबर माइनस के साथ उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 14 और 7 कितने हो गए आपके, 21 हो गए, और 3x बराबर कितना हो गया, 21। x बराबर निकालेंगे तो 3 आपका भाग में पहुंच जाएगा, 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। तो आइए हम अब अगले टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। अब अगले टाइप से इससे हटके कुछ सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं सेकंड टाइप के बारे में। जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना संख्या है हमारी, माना संख्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस प्रकार है माना संख्या हमारी क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेंगे पहली संख्या हमारी क्या हो गई, x हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और तीसरी संख्या वो क्या कह रहा है, वो पहली संख्या की 3/4 है। यानी कि पहली संख्या की 3/4 का मतलब कितना होगा, 3/4 होगा। आपको क्या कह रहा है, इन तीनों संख्याओं का औसत, इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 114 है। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या आया, x प्लस 3x प्लस 3x बटे 4 बराबर 114 औसत है, सॉरी 114 औसत है। और इनका औसत जो होगा वो 3 का भाग देते हैं तो उसका हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये यहाँ 3/3 में होगा वो डायरेक्ट कहाँ, इसका हम क्या कर देंगे, औसत
तीन संख्या है तो तीन का इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इक्वल हो गए, बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम भिन्न सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, भिन्न करने के लिए हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे, चार एलसीएम हो जाएगा, एक का भाग एक बार जाएगा, इसमें चार का मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार एक्स हो जाएगा आपका, एक बार जाएगा, चार तीन कितने हो गए, बारह एक्स हो गए, प्लस चार का एक बार जाएगा यानी तीन एक्स हो गए, बराबर हमारा क्या हो गया, 114 गुणा तीन। अब इसका भी गुणा कर देंगे हम उधर, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चार का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो चार एक्स प्लस के बारह एक्स प्लस के तीन एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 114 गुणा तीन गुणा चार, यह हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो चार और बारह सोलह, सोलह और तीन कितने हो गए, उन्नीस एक्स हो गए, उन्नीस एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 114 गुणा तीन गुणा चार, 114 गुणा तीन गुणा चार, एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 114 गुणा तीन गुणा चार बट्टे उन्नीस। अब 19 से हमें क्या करना है, 19 से 114 काट के देखो, 19 से 114 क्या कट रहा है, तो 19 दिया 57 और 19 सिक्के होते हैं 114, 19 सिक्के आपके कितने होते हैं, 114 होते हैं, तो 19 से ये आपका 6 बार कट जाएगा 114, 6 दिया 18 और 18 का हम 4 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, कितना हो जाएगा, 18 चौके 72। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 72 आ गई। हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 3x, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 3x क्या करेंगे, इसमें 72 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 216 हमारा इस प्रकार आंसर आ गया। एक बार मैं आपको फिर क्वेश्चन पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना यानी कि तीन संख्याएं हैं जिनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की तीन गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की तीन चौथाई है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए पहली संख्या हमारी एक्स है, दूसरी संख्या तीन एक्स, और ये तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीन चौथाई यानी कि तीन बट्टे एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी तीन गुनी है और ये इसकी तीन चौथाई। अब इनका तीनों का औसत क्या दिया गया है, तीनों का औसत 114 है, तो x प्लस 3x प्लस 3 बटे x, वो 3x प्लस 3x बटे 4 बराबर हमारा कितना हो गया, 114, और औसत दिया है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर हो जाएगा, यहाँ से भिन्न सॉल्व किया, ये कितने हो गए, 4x हो गए, ये 4 किया 12x हो गए, 3x हो गए बट्टे में एलसीएम हमारा कितना रहा, 4 बराबर 114 गुणा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 कहाँ पहुँच गए, इसके गुणा में पहुँच गए, और ये बाकी जैसा का जैसा है वो। अब 4x 12x और 3x को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 19x, 19x बराबर क्या हो गया, 114 गुणा 3 गुणा 4। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, x की वैल्यू चाहिए, तो 9 जो 19 है वो गुणा में से बराबर की उस तरफ जाएंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे, 19 से 114 को काटोगे तो आपका कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 6 3 18, 18 चौके 72, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 72 आ गई। यदि हमें तीनों संख्याएं पूछता तो हम तीनों निकाल लेते, ये हमारी कितनी आ गई, 72 आ गई, ये हमारी 216 आ गई, और यहाँ पे निकालोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 72 को 4 से आप काटोगे, 72 को 4 से काटोगे तो 24 दिया, सॉरी 4 से कितना बार कट जाएगा आपका, 18 बार, तो 18 दिया 54, ये कितनी हो जाएगी, 54। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 216। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसी टाइप का सवाल है, क्या है यानी कि हमारा सवाल क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की एक बट्टे तीन गुनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्याएं, माना संख्या हमारी क्या है, माना संख्याएं, नई संख्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड मान लेंगे, क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो यहाँ से हमें पता चलेगा पहली संख्या हम क्या मान लेंगे, सेकंड संख्या मान लेंगे x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2x, और इसकी एक बट्टे तीन गुनी,
यानी कि 2/3, क्योंकि 2 का आप क्या कितना निकालोगे, 2x का 1/3 निकालोगे, तो आपका कितना हो जाएगा 2x/3। तो इन तीनों का योगफल कितना दिया गया है, इन तीनों का योगफल दिया है 132। तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, तो 2x + 2x/3 हमारा कितना हो जाएगा 132। यही दिया है, देखिए सॉल्व कर लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ एक मान लेंगे, यहाँ भी एक मान लो, 3 × 3 = 6x, यहाँ एक बार 3 बार जाएगा तो 3×3x + 2x बराबर आपका 132, बराबर कितना हो गया 132। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 6x + 3x + 2x बराबर कितना हो जाएगा 132 × 3। 6x, 3x और 2x आपका कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11x बराबर कितना हो गया हमारा 132 × 3। हमें वैल्यू चाहिए x की, x बराबर कितना हो जाएगा 132 × 3/11, गुणा वाली संख्या भाग में पहुंचेगी। अब 11 से हमें दिख रहा है 132 कट जाएगा, तो 11 × 11 यहाँ कितनी यहाँ से बचेंगी, 2 बचेंगी, तो 22 हो जाएगा, 11 × 2 = 22, तो 12 × 3 कितना हो गया 36। तो x बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 36, जो कि हमें ये पूछा, अगर ये पूछता हमें तो ये कितना हो जाता तुम्हारा 36 × 72 हो जाता, और ये पूछता तो आपका कितना हो जाता 3 से ये कट जाता 12, 12 × 24, यानी कि 3 की संख्या पूछी जाती तो हमें 24 होती। तो आई होप आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।